नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंज बसौदा क्षेत्र के देहात थाना पुलिस ने आईटीआई कॉलेज के पीछे छापा मारकर रात्रि के करीब 12 बजे कच्ची शराब बिक्री कर रही एक महिला को गिरफ्तार किया और भट्टी को नष्ट करने के साथ ही साथ सारा सामान जब्त कर लिया गया है। देहात थाना प्रभारी ने बताया कि आबकारी अधिनियम के तहत महिला पर कार्रवाई करते उसको न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसको जेल भेज दिया गया है। क्षेत्र के लॉकडाउन के चलते शराब की सभी दुकानें बंद हैं, जिसके चलते चोरी छुपे अब इस प्रकार की शराब बना करके लोगों को वितरित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेली की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से जानकारी मिल रही थी कि आईटीआई कॉलेज के पीछे जो पंजरवती है, वहां पर अवैध रूप से कच्ची शराब जो भट्टी की जो बनती है वो बनाई जा रही थी और विक्रय किया जा रहा था पानी में पॉलीथिन में भर कर, जिस पर हमारे द्वारा आज 3 तबीज दी, हमने तबीज दिया तो वहाँ पर एक महिला घटना बाई मिली, जिसके द्वारा वहाँ पर अवैध रूप से शराब कच्ची हाथ भट्टी की बनी हुई वो निर्माण कार्य कर रही थी, जिसको कि वहाँ पर उसके कब्जे से हमने करीब 60 लीटर दारू पकड़ी है और उसको लेकर उसके पोजीशन से पूरा सामान जो जिस प्रकार बनाया जाता है वो सामान पूरा जब्त करके थाने उसको लेके आए, उस पर कार्रवाई की गई। उस पर 34-2 के अंतर्गत 31-2 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। ऐसी और भी सर्चिंग की जा रही है सर इस प्रकार की? पूर्व में भी पहले वहां पर दबी दी गई थी और अभी हाल ही में कुछ और सूचना मिली है जिसकी तस्दीक की जाएगी, अगर बात सामने आती है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।